Bismillahir Rahman Rahim Nadia Malik is here from NM Language Academy Dear students in today's lecture we are going to discuss about absurdity with particular reference waiting for godot that is written by Samuel Beckett a modern playwriter. So as you remember, in the previous lecture we discussed about existentialism in Waiting for Godot and the element of absurdity we discussed a bit. But in today's lecture, we are going to discuss in detail. First, we uh, see what are the qualities or characteristics of Theatre of Absurd and where from this term was started and who was the founder of this term the theater of the absurd French theater de la absurde post-world war second designation for particular place written between 1940 and 1950 though a एब्सर्ट प्ले है या एब्सर्ट थिएटर है ये फ्रेंच से जो है वो वर्ड जो है वो स्टार्ट हुआ था और कब स्टार्ट हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार फ्राम नाइनटीन फोर्टी अप टू नाइनटीन फिफ्टी के दूसरी जंग अजीम के बाद उन्नीस सौ चालीस से लेकर उन्नीस सौ पचास तक जितने भी प्लेस लिखे जाते थे और उनको थिएटर पर परफॉर्म किया जाता था तो उनको जो है वो क्या किया गया था नाम दिया गया था एब्जर्ट प्लेस का द टर्म बाय मार्टिन एस्लिन इन हिज बुक द थिएटर ऑफ़ एब्जर्ट पब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी वन तो मार्टिन एस्लिन ने एस लिखा था जिसका नाम था द थिएटर ऑफ एब्जर्ट ये उसके एस का नाम है मार्टिन एसलिन के जिसमें उसने फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज़ द टर्म एब्सर्ट प्ले उसने एब्जर्ड प्ले के लिए जो टर्म इस्तेमाल की थी वो मार्टिन एसलिन था और उसका जो एसे था इसको पब्लिश किया गया था 1961 में ही रेफर टू टर्म एब्जर्ड एज समथिंग आउट ऑफ हार्मनी विद रीज़न आर प्रोप्रियटी इलॉजिकल यानी एब्जर्डिटी जो टर्म उसने यूज़ की थी या एब्जर्ड थिएटर को उसने यूज़ किया था इसका मतलब था आउट ऑफ हार्मनी हार्मनी से मुराद ये है कि उसमें जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के जो असूल थे उनको जो है प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया था जो आपका प्ले था उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया गया था जैसा कि प्ले में होता है कि उसकी खास अरेंजमेंट होती है लेकिन एबज प्ले में जो है हमें ये चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं और उसमें प्रॉप्रियटी जो इलॉजिकल होती है लॉजिकल की बजाय उसमें इलॉजिकल चीज़ों को जो है वो शामिल किया जाता है जिसको के इससे पहले जो अगर हम क्लासिकल प्लेस को देखते हैं जिसमें तमाम रूल्स जो है वो फ़ॉलो किए जाते थे उनकी प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट होती थी लेकिन एब्सर्ड प्ले जो है वो इन तमाम चीज़ों से क्या होता है वाइड होता है उसमें इलॉजिकल चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है Next, we see main features of an absurd play. Life appears to be meaningless and purposeless. The absence of a real story or plot. Vagueness about time, place, and the characters. The value of language is reduced. Large uses of pauses, silences, mimic, and फार्सिकल सिचुएशंस इनको हेरेंट बैबलिंग मेक्स अप द प्ले लाइफ अपीयर्स टू बी मीनिंगस एंड पर्पजलेस तो एब्जर्ड प्ले की जो क्वालिटीज़ हैं उसमें सबसे पहली क्वालिटी ये है कि इस तरह के प्लेज में हमें कोई मीनिंग नज़र नहीं आता कोई एम नज़र नहीं आता कि इस प्ले को लिखने का क्या पर्पज़ था और उसमें जो कैरेक्टर हैं वट दे आर रेप्रजेंटिंग कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी लाइफ का क्या परपज़ है कैरेक्टर भी हमें क्या नज़र आते हैं एम लेस नज़र आते हैं उनकी ज़िंदगी का भी कोई मकसद नज़र नहीं आता नेक्स्ट है दी एब्सेंस ऑफ रियल स्टोरी आर प्लॉट अब एब्ज़र्ट प्ले के सेकंड फीचर ये है कैरेक्टरिस्ट ये है कि उसमें जो स्टोरी होती है वो नज़र नहीं आती है जैसे स्टोरी का एक खास एलिमेंट होता है कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये स्टोरी का जो है वो मिडल पॉइंट है या सेंटर सेंट्रल पॉइंट है और ये स्टोरी का जो है वो एंड है लेकिन जो एब्जर्ड प्ले होता है हमें उसमें ना स्टोरी नज़र आती है ना प्लॉट नज़र आता है यानी प्लॉट्स का मतलब होता है जितने भी इवेंट होते हैं उस प्ले में एब्जर्ड प्ले में उसको प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया होता नेक्स्ट हमारे पास है वेगनेस अबाउट टाइम प्लेस एंड द कैरेक्टर्स अब इस तरह के प्लेज में हमें टाइम के बारे में भी पता नहीं चलता है कि किस ख़ास ईरा के हवाले से ये प्ले लिखा गया है कौन सा जो है ये ईरा है कौन सा टाइम ऑफ पीरियड है फिर प्लेस कौन सी है किस जगह पे ये ड्रामा जो है वो प्ले किया जा रहा है फिर जो कैरेक्टर्स हैं हमें उसके बारे में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती वो भी अनक्लियर होते हैं हम उनको भी ज़्यादातर समझने से क्या होते हैं कासिर होते हैं वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे बियॉन्ड हो जाते हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है हमारे पास एब्ज प्ले का वो है दी वैल्यू ऑफ लैंग्वेज इज़ रिड्यूस्ड जब हम क्लासिकल ड्रामास को देखते हैं या दूसरे ड्रामास को देखते हैं तो उसमें क्या नज़र आता है एक खास स्टैंडर होता है दैट इज़ फॉलोड इन दोज ड्रामास फॉर राइटिंग कि राइटिंग के लिए कुछ लैंग्वेज के स्टैंडर्ड होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं लेकिन एबजेट प्ले में हमें लैंग्वेज जो है वो डी वैल्यू होती नज़र आती है कि जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होती है वो स्टैंडर्ड वाली नहीं होती है लार्ज यूजिज ऑफ पॉजिज साइलेंस माइमिक एंड फार्सिकल सिचुएशन इसमें इस तरह के प्लेज में हमें पॉज नज़र आता है यानी वहाँ बहुत ज़्यादा आपको ब्रेक नज़र आएगा फिर जब कैरेक्टर्स के डायलॉग होंगे उनके दरमियान भी हमें क्या नज़र आती है साइलेंस नजर आती है माइमिक एंड फार्सिकल सिचुएशन माइमिक एंड फार्सिकल बोथ द वर्ड्स आर यूज फॉर एब्सर्ड यूजलेस एंड मीनिंगलेस सिचुएशंस कि इसमें जो सिचुएशंस दिखाई जाती हैं वो भी क्या होती हैं बहुत ही यूजलेस होती हैं पर्पजलेस होती हैं कि उसका जो व्यूअर है या उसका जो रीडर है इस तरह का प्ले को जो देख रहा है या उसको जो पढ़ रहा है उसको समझ नहीं आता कि ये किस किस्म की सिचुएशन जो है उनके सामने दिखाई जा रही है नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है एबजर्व प्ले का वो है इनकोहैरेंट बैब्लिग मेक्स अप द प्ले अब इसमें जो कोहरेंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी प्ले के लिए लेकिन हमें जो है वो इसमें कोहरेंस uh, नज़र नहीं आती उसकी भी हमें एब्सेंस नज़र आती है कि जो कंटेक्स चल रहा है उसमें ख़ास अरेंजमेंट हमें नज़र नहीं आती है नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वाई वेटिंग फॉर गोरो इज़ कॉल्ड एब्सड प्ले एज वी डिस्कस्ड अर्लियर What are the qualities of an absurd play? Now we try to apply all these characteristics on this play. कि जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक या फीचर प्रीवियस डिस्कस किए हैं अब हम देखते हैं कि वो तमाम फीचर इधर वी कैन फाइंड इन वेटिंग फॉर गोडो और नॉट इफ़ वी फाइंड देन वी कैन से यस वेटिंग फॉर गोडो इज़ एन एब्ज प्ले तो अगर हमें वो तमाम फीचर नज़र आते हैं वेटिंग फ़ॉर गोडो में जो कि एक एब्ज प्ले के होते हैं या जो एक एब्जर्ड थेटर के होते हैं तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि वेटिंग फॉर गोडो जो है वो क्या है absurd play waiting for godot qualifies as one of the samuel beckett's most famous works originally written in the french in 1948 beckett personality translated the play into english the play bears the presence of element of the theater of absurd अब इसको हम देखते हैं कि वेटिंग फॉर गोडो जो कि सैम्यूल बैकेट ने लिखा था ओरिजिनली इसको फ्रेंच में लिखा गया था फिर पर्सनली इसने जो है बैकेट ने जो है वो 1948 में इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में अब हम देखते हैं कि उसके क्या फीचर्स हैं एब्जर्डिटी इन द टाइटल इफ़ वी फोकस ऑन द टाइटल वेटिंग फॉर गोडो दैट इज़ आल्सो एब्जर्ड टाइटल तो इसका टाइटल ही एब्जर्ड है वेटिंग फॉर गोडो अब गोडो का इंतज़ार करना और वेट जो है इसमें दिस वेट इज़ टू मच प्रोलॉन्ग ये वेट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग है प्ले में और गोडो जो है गोडो इज़ सच लाइक पर्सनैलिटी अबाउट होम नोबडी नोस इधर दैट इज़ मेल आर फीमेल इधर ही आर शी वुड कम आर नॉट दे हैव नो आइडिया तो वेटिंग फॉर गोडो गोडो के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है वो आएगा या नहीं आएगा हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन उनका वेट जो है वो उसके लिए है जो कि किस चीज़ को जाहिर कर रहा है एब्सर्डिटी को द टाइटल सजेस्ट अ प्रो लॉन्ग वेट वेटिंग फॉर गोडो बट नोबडी नोज हु गोडो इज़ वेन एस्ड अबाउट हु गोडो वाज बैक replied, "If I knew, I would have said so in the play." तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई नहीं जानता गोडो के बारे में इधर ही वुड कम आर नॉट वेन ही वुड कम आर नॉट के आएगा या नहीं आएगा या फिर कब आएगा कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता जब इस प्ले को लिखने के बाद सेम्यूल बैकेट से यही सवाल पूछा गया कि एक्चुअली हु वॉज़ गोडो इन द प्ले तो उसने यही जवाब दिया था कि अगर मुझे खुद पता होता कि गोडो कौन है तो मैं उसका प्ले में जो है वो ज़रूर मैंशन करता तो इस सवाले से ये किस चीज़ को जाहिर कर रही है ये चीज़ जो है एब्जर्डिटी को मॉडिफाई कर रही है एब्जर्डिटी इन द सेटिंग फिर हम देखते हैं कि सेटिंग में भी एब्जर्डिटी है द सेटिंग इज ओल्ड एंड एलियन अ कंट्री रोड साइड वी आर टू मैन आर स्टैंडिंग अंडर अ बैरन लीवलेस ट्रीज वेटिंग फॉर सम वन नेम्ड इज स्ट्रेंजनेस बैरनेस लोन लीनेस विच सेट द एनवायरमेंट ऑफ डिस्पेयर अब हम देखते हैं कि सेटिंग जो है वो बहुत ही अजीब सी है सेटिंग अजीब है एलियन है और एक अजनबी सी जगह है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं दो जो पर्सनस हैं जो कि ट्रैम्प हैं एस्ट्रोगन और व्लाडमिर वो वहाँ पर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं गोडो का स्टैंकिंग का मतलब होता है दे आर अंडर पैनिक सिचुएशन कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं क्योंकि उनका जो वेट है वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है ठीक है वहाँ पे बहुत अजनबीयत सी हमें महसूस होती है बैरननेस है ठीक है और फिर लोनलीनेस है जो कि इन्वायरमेंट को डिस्पेयर uh, कर देती है यानी उसको पैसमिज़म वाला जो इन्वायरमेंट uh, होता है उसको मॉडिफाई कर रही है उसको क्लैरिफाई कर रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है नेक्स्ट हमारे पास है एब्जर्डिटी इन इन प्लॉट अ प्लॉट जैसे कि आपको पता है ये कंस्ट्रक्शन होती है इवेंट की कि हाउ ऑल द इवेंट आर कंस्ट्रक्टेड आर ऑर्गेनाइज्ड इन आ प्ले कि जितने भी इवेंट हो रहे हैं एक प्ले में उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है क्या उसमें कनेक्शन है या नहीं है अब हम एब्जर देखते हैं उसके प्लॉट में बिकॉज देयर इज़ नो कनेक्शन अबाउट ऑल द इवेंट्स प्रैक्टिकली नथिंग हैपन्स नो डिवेलपमेंट टू बी फाउंड नो बिगिनिंग नो एंड जैसे कि आपको पता है कि कोई भी प्ले होता है तो उसका स्टार्ट होता है फिर स्टार्ट के बाद हम देखते हैं कि उसमें डिवेलपमेंट हो रही है उस प्ले में फिर उसमें मिडल आता है और मिडल के बाद जो है वो पीक पर चला जाता है उसका जो आ, प्ले है उसके जो इवेंट हैं या जो भी उसमें सिचुएशन है कैरेक्टर्स उसको प्ले कर रहे हैं लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें वाइट नज़र आती हैं किस में वेटिंग फ़ॉर गोडो में कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है जहाँ से प्ले शुरू होता है वहीं पर जो है वो एंड हो जाता है उसका कोई मिडिल नहीं है और उसका हमें कोई एंड नज़र नहीं आता है एब्सर्डिटी इन थीम्स अब हम देखते हैं कि वेटिंग फॉर गोडो में कौन कौन से थीम्स हैं किस किस पॉइंट को जो है वो सिम्बोलाइज किया गया है उसमें जो थीम नजर हमें आते हैं वो आइसोलेशन है फिजिकल स्पिरिचुअल एंड मेंटल आइसोलेशन दिस थीम ऑफ आइसोलेशन इज एब्जर्डिटी एज एल्बर्ट कैमस इन हिज एस मिथ ऑफ सीसीफर्स डिफाइन्स एब्जर्डिटी एज इन अ यूनिवर्स दैट इज सडनली डीप राइड ऑफ लूजन्स एंड ऑफ लाइट मैन फील्स स्ट्रेंजर दिस डिवोर्स बिटवीन मैन एंड हीज़ लाइफ द एक्टर एंड हीज़ सेटिंग ट्रूली कॉन्स्टिट्यूट्स द फीलिंग ऑफ एब्जर्डिटी अब देखिए जहाँ तक हम इसके थीम की बात करते हैं तो वो हमें नज़र आता है कि फिज़िकली भी देखें तो आइसोलेशन है और स्परिचुअली और मैंटली भी देखें तो हमें आइसोलेशन नज़र आती है फिर जो ये जो थीम है आइसोलेशन का जैसे कि एल्बर्ट कैमस ने अपने अहसे में बयान किया था उसके अर्से का नाम था मिथ ऑफ सीसीफ मिथ ऑफ सीसीफस में वो डिफाइन करता है एब्जिटी को कि एब्जिटी जो है एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्या करती है लाइट से जो है वो हमें डिप्राइव कर देती है हमें एलूजन की तरफ ले जाती है और जब आप लूजन वाली सिचुएशन में चले जाते हैं तो यू फील समथिंग स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड आर अराउंड द पीपल हु आर अराउंड यू तो जब आप ऐसे एलूजन uh, में चले जाते हैं तो फिर आप अपने आप को दुनिया में और आपकी दुनिया में इर्द गिर्द जितने भी आपकी सोसाइटी में आपके जो लोग हैं आप उनमें खुद को स्ट्रेंज महसूस करते हैं दिस डिवोर्स बिटवीन मैन एंड हिज लाइफ और इंसान की जो लाइफ है उसके दरमियान मैन और उसकी लाइफ के दरमियान डिवोर्स नज़र आती है यानी उसमें आइसोलेशन नजर आती है उसमें डिस्टेंस नज़र आता है द एक्टर एंड ही सेटिंग ट्रूली कॉन्स्टिट्यूट्स द फीलिंग ऑफ एब्जिटी उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हमें क्या नज़र आती हैं बहुत ही मीनिंगलेस नजर आती हैं बहुत ही ओट नज़र आती हैं बोर्डम मीनिंगस उसमें हमें बोर्डम भी नज़र आती है और मीनंगस भी नज़र आती है क्योंकि एस्ट्रॉगन और व्लादिमीर बहुत फील बोर्डम फार वेटिंग गोडो वो जब गोडो का इंतज़ार करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बोर्डम महसूस होती है एंड दे आर लीडिंग अ लाइफ दैट हैज़ नो पर्पस उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है वो मीनंगस जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं एब्जर्डिटी इन एक्शन एंड डायलॉग्स रिपीटिव एंड मीनिंगलेस एक्शंस पुलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ शूज प्लेइंग विद हैट एंडलेस वेटिंग आउट ऑफ बोर्डम एंड मोनाटने ऑफ वेटिंग इन एक्ट वन एस्ट्रॉगन सेज नथिंग हैपन्स नो बडी कम्स नो बडी गोज इट्स आ फुल नेक्स्ट हमारे पास लाइन है के नथिंग टू बी डन इज़ यूज फोर टाइम इन द प्ले द वर्ड अगेन रेफर्स टू रेपिटेटिव विच मेक्स द लाइफ मोनाटनस एंड बोरिंग अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि रेपिटेटिव है यानी रेपिटेशन है इसमें मीनिंगलेस एक्शन है क्या है कि हम देखते हैं कि बार बार जो है वो अपने शूज़ को उतारता है और अपनी जो हैट है उसको कैरेक्टर जो है वो उतारता है जो कि किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं मीनिंगलेस एक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं स्ट्रॉगन के एंड लेस वेटिंग आउट ऑफ बोर्डम एंड मोनासनी ऑफ वेटिंग अब क्या है जब वो इतना प्रोलॉन्ग वेट करते हैं तो इससे उनकी लाइफ में मुनाटनी आ जाती है बोर्डम आ जाती है वो अप हो जाते हैं इस सिचुएशन से और एक्ट वन में हम देखते हैं स्ट्रॉगन कहता है कि नथिंग हैपन्स नो बडी कम्स नो बडी गोज इट्स आफुल कि ना तो कुछ आ, इवेंट हो रहे हैं ना ही कोई शख्स आता है ना ही कोई जाता है तो ये सिचुएशन बहुत ही आफुल है बहुत ही हमारे लिए पेनफुल है और बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि जब हम देखते हैं स्टार्ट से एंड तक वो गोडो का इंतजार कर रहे हैं और बस गोडो का ही इंतजार करते रहते हैं जबकि एक्चुअली जो है वो गोडो नेवर अराइव्ड देयर वहाँ कभी भी नहीं आया नेक्स्ट हमारे पास लाइन है नथिंग टू बी डन इज यूज फोर टाइम्स इन द प्ले अब नथिंग टू बी डन सेम जो आपका फ्रेज है उसको जो है चार मरतबा जो है वो प्ले में फोर टाइम्स जो है आपके प्ले में इसको इस्तेमाल किया गया है ये भी रेपिटेशन को जाहिर कर रहा है द वर्ड अगेन रेफर्स टू रिपेटेटिव विच मेक्स द लाइफ मुनाटनस एंड बोरिंग जब बार बार आप एक लफ्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आपकी लाइफ में मुनाटने को ले आता है आप उससे अप हो जाते हैं दोनों जो कैरेक्टर हैं वो फिर डेथ के बारे में भी बात करते हैं जैसे वो सुसाइड की बात करते हैं कि दे शुड कमिट सुसाइड तो ये चीज़ भी क्या नज़र आती है ये भी बोर्डम और मुनाठनी को नज़र आती है कि द पीपल हु फील बोर्डम द पीपल हु फील फील मोनाठनी इन देयर लाइव सो दे थिंक अबाउट कमिटिंग सुसाइड तो ऐसे ही लोग जो है वो सुसाइड कमिट करने के लिए सोचते हैं Now we conclude uh, the whole lecture, uh, the whole discussion regarding uh, Waiting for Godot as an absurd play. Habit, boredom, monotony, ignorance, and importance, which enveloped after the wars and created an absurd existence, is recreated by Bakit in Waiting for Godot. Bakit captured this situation and depicted it through the deadening condition of the two tramps in a null and void state without any real action structurally the play has two acts and second act is the replica of the first act the whole theme of the play is absurd nothing really happens whole play is meaningless as the world was after two world wars अब इसमें वही चीज़ें हम कंक्लूड करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे जैसे इंसान की लाइफ में जो है वो चेंजेस अक्कर हुई हैं तो वो तमाम जो है वो हमें इस प्ले में नजर आ रही हैं कि इंसान की जिंदगी जो है वो मीनिंगलेस हो गई थी उसकी लाइफ में मुनाट नहीं थी उसकी लाइफ का जो पर्पज़ था वो ख़त्म हो गया था और यही चीज़ जो है वो सम्युल बैकेट ने कैप्चर करने की कोशिश की है उसी को जो है वो अलाबोरेट करने की कोशिश की है उसी की जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों की लाइफ जो थी वो किस तरह से तब्दील हो गई थी वो किस तरह से मीनंगस लाइफ गुजार रहे थे और उसी मीनंगस लाइफ गुजारने की वजह से वो क्या हो चुके थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और वो चाहते थे कि उस टाइम जितनी भी ईवल्स थी उनकी सोसाइटी में उनको हल करने के लिए शायद कोई सेकेंड अथॉरिटी आएगी जिसके बारे में वो नहीं जानते थे लेकिन फिर भी उनको वेट था कि शायद कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आएगी और उसके आने से जितनी भी सोशल इवल्स थी या उनके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स थे या इशूज़ थे वो उस पर्सनैलिटी के आते ही साथ जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि जो गोडो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जस्ट लाइक गॉड है कि एक आ, कोई आप कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी शख्सियत है जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो अथॉरिटी है अथॉरिटेटिव पर्सनलिटी है और अपनी इस अथॉरिटी की वजह से अपनी इस पार की वजह से वो क्या करेगी कि अपनी तमाम जितनी भी उस टाइम उस इरा में प्रॉब्लम्स थी लोगों की लाइफ में वो क्या हो जाएंगी रिजॉल्व हो जाएंगी और इसी इंतज़ार में इस्ट्रगल और व्लाडमिर जो है जब उन्हें लगता है कि गोडो जो है वो कभी नहीं आएगा तो वो क्या सोचते हैं वो इससे डिप्रेस हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म करने का फ़ैसला करते हैं दिस वासूडेज लेक्चर आई होप आल ऑफ़ यू गॉट वेरी वेल रिगार्डिंग एब्जिटी विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ वेटिंग फ़ॉर गोडो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एब्जिटी इन वेटिंग फॉर गोडो यू कैन आस्क मी And you can share your suggestion uh, regarding uh, lectures. How how type how we can improve our lectures and what type of topics uh, you want to uh, show on our uh, on our just like uh, channel. So you can give your suggestion. Your uh, suggestion will be very valuable for us. Thank you. We will see in the next lecture. Love.